आप अखिलेश के साथ हो वैसे? नहीं, वैसे अखिलेश के साथ हूँ जी। वोट देना पड़े तो किसे दोगे? अखिलेश को भी दे दूंगा मैं तो, मोदी जी को भी दे दूंगा वोट। मोदी जी को भी? हाँ, उनको भी दे दूंगा। क्या बिगाड़ रखा हमारा जी? अगर एक चुनना हो, इस बार 22 में चुनाव है, तो मुसलमान किसे चुन रहे? मजी ओवैसी को चुनेंगे। ओवैसी को चुन रहे? हाँ। और अखिलेश को? अखिलेश को तो वो तो वक्त बताओगा जी क्या होगा। अखिलेश का कुछ नहीं है क्या? अखिलेश कहाँ रखी है? जहाँ पर कौन पूछ रहा हो ना अखिलेश सर को? मेरा मैदान में होगा तो हम तो वैसे के साथ है जी। कोई वैसे के साथ, कोई हारो जीत तो मोमडन का तो वोट समाजवादी पे ही जाएगा, और कुछ लोग बीजेपी पे भी दे रहे, वो भी ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। यूपी में ओवैसी आ गई तो 2022 में होगा क्या? यूपी का मुसलमान किस पर भरोसा करेगा, अखिलेश पर, मायावती पर, या फिर ओवैसी पर? क्या ओवैसी का जलवा यूपी में चलेगा और किसका काम बिगड़ेगा? आज मुसलमानों से बेबाकी से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि आखिरकार वो क्या समझते हैं और कैसी रही योगी की सरकार। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ। आपको अखिलेश बढ़िया लग रहे जी ओवैसी? हाँ जी, अखिलेश बढ़िया है नेता की ओवैसी? जी हमें तो दोनों ही बढ़िया लग रहे जी। अगर एक चुनना हो, इस बार 22 में चुनाव है, तो मुसलमान किसे चुन रहे? मजी ओवैसी को चुनेंगे। ओवैसी को चुन रहे? हाँ। और अखिलेश को? अखिलेश को तो वो तो वक्त बताओगा जी क्या होगा। सारी जिंदगी होगी अखिलेश को देखता है, क्या ओवैसी खड़ा होगा ओवैसी को देंगे वोट। मतलब इस बार नया नेता देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, देखेंगे। आपको लग रहा कुछ बदलेंगे अगर जो मुसलमानों के लिए? ना बदले, हमें नहीं पता इस बात का। बदलना यूँ चाहिए, मान लो जो आजम खान थे और वो पकड़े हुए, थोड़ा सी भी कोई बात रखी अखिलेश ने, अगर जब उनके खास थे वो, तो कोई बात रखी। वाकई उनके तो खास थे, मुसलमान को नेता थे जो लगातार उनकी पार्टी में वोट ले रहे थे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं? जी कोई बात नहीं, कोई कहीं कोई दिया, कोई चषक ली उन्होंने, तो उस वक्त मुसलमान जो अखिलेश पे जाएगा वैसे पे जाना चाहिए। मैंने आदमी को चुनना चाहिए जैसे मतलब बाल, मतलब एक उमंग के साथ तो आ रहे वहाँ, वो एक अलग बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों वो किस्मत की बात है। बाकी कोशिश मुसलमान की ये होनी चाहिए भाई उसे वोट दे। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे कि भाई वो बीजेपी की जो है दूसरी टीम है, वो बी टीम है। गलत बात है, वो गलत बात है। ओवैसी की क्यों टीम हो जी? मान लो उन्होंने कहा जो वहाँ बिहार में थे और उन्होंने कहा कि भाई मतलब ये तुम जब मुझे यूँ बतला रहे तुम मुझे अपने मिला लो, तो मिलाया कहीं उन्होंने? क्यों नहीं मिलाया? मिला लेना चाहिए था अपने वहाँ तो, मतलब 25 ना देते उसे 20 दे देते। लेकिन उन्होंने मिलाया नहीं, वो देख अपनी सीट निकाल के ले गए 5। जी जी हाँ, मिला इस बार उन्होंने राजभर की पार्टी से तो जो है गठबंधन कर लिया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी जो पहले योगी के साथ थी, अब ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया। क्या अखिलेश को भी कर लेना चाहिए क्या ओवैसी के साथ गठबंधन? बज्जी ये तो उनका नजरिया, जी देखो वो राजनीतिक है, मतलब उन्हें किस तरफ फायदा नजर आवे किस तरफ नहीं आता वो तो एक उनकी बात है। अब उस लेवल की तो हम नहीं है भाई, हम अब वो तो हम थोड़ा सा देखते अच्छा, पहले मुसलमान जो है वो मायावती की साइड भी रहा करता था है, और मायावती की सरकार भी बनी है, इस बार मायावती के साथ साथ नहीं है? मायावती के साथ भी जाना सही नहीं नजर आ रहे थे, बोली नहीं कहीं, इतने मामले हो रहे हैं कहीं बोली वो किसी की, जहाँ भी जुलम हुए जहाँ जगह भी जुलम हुए कहीं बोली उस पर? बोली नहीं। मान लो दलितों पर हुआ वहाँ जुलम हाथरस के अंदर, बताओ उस पर बोली हो आई नहीं सामना? मान लो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ राज हो सके कि भाई मैं अगर ये बोल ली तो मेरी ना पकड़ हो जा, अगर नहीं तो आपको लग रहा है मायावती चुप है इसलिए नुकसान भी हो रहा मायावती? हाँ नुकसान हो रहा जी, जी चुप होगा। और अखिलेश का? हाँ जी अखिलेश का क्या लग रहा है इस बार? अखिलेश का तो इसी की वजह से, जो मतलब उसके बारे में कुछ नहीं बोल ले, वो आजम के बारे में कुछ नहीं बोल ले, तो मुसलमान नाराज है। हाँ मुसलमान नाराज होने, जो जो समझदार मुसलमान है नाराज होगा, और जो दिगर ना समझे उसका तो कोई इलाज नहीं। जो आप वोट देते थे वो आजम खान की वजह से देते थे? हाँ जी आजम खान की वजह से वोट देते थे जी। नहीं आजम खान की भी वजह से देते थे, बाकी पार्टी काम भी कर रही थी, ऐसी बात नहीं है, पार्टी की वजह से भी देते थे वोट, ऐसी बात थोड़ा ही, मतलब भाई कहीं कोई जुलम हो था तो उस पर मतलब इंसाफ मिला था इस वजह से उठते थे। तो भाई इनकी तो राय ये रही, एक और भाई साहब आए हैं थोड़ा सा पीछे हो जाइए, रोहित क्या नाम है जी? साजिद जी। साजिद जी 22 में चुनाव है यूपी में, अब तो ओवैसी भी आ गए, अखिलेश यादव भी है, मायावती भी है, मुसलमान किसे देख रहा है?
मुसलमान तो भाई सबको देख रहा भाई, वोट तो एक को ही जाएगा, वोट तो एक ही को जाना, वो जिसे भी देगा वो देगा। अच्छा अखिलेश के साथ है कि ओवैसी के साथ? नहीं वैसे तो हम अखिलेश के साथ ही थे भाई ये तो, लेकिन इस बार क्या लग रहा है ओवैसी भी मैदान में है ना? इस बार का जो हमें अच्छा लगेगा वो करेगा, अपने दिल का अख्तियार है भाई। ओवैसी को अपना नेता मानते हैं क्या मुसलमान? नहीं मानते हैं जी, मानते हैं, मानते हैं। मतलब अगर यूपी में आएंगे तो वोट मिलेगा क्या उनको? मिलेगा भाई, ऐसे तो कोई नहीं है, ढेर मिले या थोड़ा मिले, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। 5 सीट बंगाल बिहार में तो निकाल ली, यूपी में निकाल पाएंगे? निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं जी। आपका मन क्या कहना? मन ठीक है मेरा। आप अखिलेश के साथ हो या ओवैसी के? जी आप अखिलेश के साथ हो ओवैसी के? नहीं वैसे अखिलेश के साथ हूँ जी। वोट देना पड़े तो किसे दोगे? अखिलेश को भी दे दूंगा मैं तो, मोदी जी को भी दे दूंगा वोट। मोदी जी को भी? हाँ उनको भी दे दूंगा, उन्होंने क्या बिगाड़ रखा हमारा जी, उन्होंने क्या बिगाड़ रखा। जो देश को अच्छा चलेगा देखेगा उसको देगा वोट हम तो भाई। और ऐसे हमें कुछ नहीं दे रहा, अखिलेश हमें कुछ नहीं दे रहा, और भाई मोदी जी हमें कुछ नहीं दे रहा। वजह तो इस बात की होगी, परेशान तो इस बात के होगी, जो देश को अच्छा चलेगा हम तो उसे देंगे। योगी ने कैसा चलाया यूपी अब तक? अच्छा नहीं चला पा रहे। कहाँ गलती रह गई? गलती सारी गलती और रह गई, जो अधिकारी है सब हाथ में उनके दे दिए, अपना कोई तो वो ही नहीं है। जो पुलिस स्टेशन है कुछ भी है, अपनी मनमर्जी गुजार रहे, कोई यूँ नहीं देख रहा कोई गरीब आदमी मर रहा या क्या कर रहा। लूट खसोट वाली बात चल रही जहाँ भी चल रही, कोई अच्छी बात नहीं है। आपको क्या दिखाई दे रहा है इस यूपी के चुनाव में? इस बार तो ओवैसी भी आ गए मैदान में, ओवैसी को तो जानते होंगे आप, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद वाले तो यूपी में चुनाव लड़ेंगे इस बार वो। अब क्या? हाँ अच्छा चलो। आपको क्या लग रहा है इस बार मुसलमान अखिलेश के साथ जाएगा, मायावती के साथ जाएगा या ओवैसी के साथ जाएगा? अजी अभी तो कोई पता नहीं, अभी तो डिक्लेयर भी नहीं हुआ है पता कि कौन हो रहा पार्टी में खड़ा कौन नहीं हो रहा, अभी तो अभी पता नहीं लगा। नहीं वो तो टिकट तो बाद में मिलेंगे, पार्टी तो सारी चुनाव लड़ेंगी। तो रात रात में घूम आदमी रात रात में? हाँ जी रात रात में घूम जावे आदमी। अच्छा ओवैसी का कैसा लगता है? जैसे ओवैसी कहते हैं भाई वो मुसलमानों के नेता हैं, आपको क्या दिखता है मुसलमानों के हैं नेता? अजी मुसलमानों की बात नहीं, जो काम अच्छा करता है वो कोई भी हो। अच्छा। वो चाहिए हमें तो, ऊपर वाला वो ही देते बस हम। अच्छा कर कौन रहा? जो भी अच्छा करे आगे सबके लिए है वो, जो आगे करेगा अच्छा वो हो जाना चाहिए। पिछला तो गया, पिछला तो टाइम गया, वो अच्छा था मंदा था वो तो गया, लेकिन आने वाला जो टाइम है वो जो पब्लिक के लिए किसान के लिए मजदूर के लिए जो अच्छा रहे वो होना चाहिए बस। तो इस बार अखिलेश और ओवैसी में आपको कौन पसंद आ रहा है? अजी हमें तो ये भी पसंद है वह भी पसंद है, लेकिन नहीं, नहीं, काम बताओ एक बार। काम पसंद है जी। योगी का काम कैसा रहा? योगी का काम ठीक रहा, वो पसंद नहीं है? पसंद सब है लेकिन जो नहीं एक ही तो बताना पड़ेगा। पसंद तो सभी है जी। आप बताओ जी अखिलेश ओवैसी मायावती कौन? अखिलेश मायावती या ओवैसी कौन सा पसंद है? तीनों में हमें तीनों ही पसंद है। फिर घुमा रहे तुम भी नेता ही हो गया। अगला टिकट पार्टी को तुम्हें ही देना पड़ेगा। हाँ जी इंशाल्लाह देगा जो। अच्छा। जी अच्छा चुनाव में इस बार कौन जीतेगा, अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहे या योगी? भाई योगी तो जीतता जीता है जी, वो तो फिलहाल तो जीतता जीता है, 2022 में क्या होगा वो आगे भी जीत जाएगा जी। वो आगे क्यों जीत जाएगा जी? उसके हाथ में सारा कंट्रोल, सारा सब कुछ के हाथ में है वो, जब जीतने जीतेगा जी। वो कंट्रोल कैसा है? अजी बस उसके हाथ में सब कुछ पंजा है, वो जो टाइम जो है ना बस मालिक है इस टाइम। वो नहीं इस टाइम ही तो मालिक है, जब चुनाव आएंगे चुनाव में तो जनता मालिक है। चुनाव भी उस टाइम पर उसी के हाथ में, जनता भी उसी के हाथ में। अच्छा। उन्हें 2000 रुपए दे रखे, किसी को नाज बांट रखा, कुछ बांट रखा, तो जनता ये 2000 रुपए और नाज पे वोट देगी? हाँ और क्यों देगी, जब वो आगे भी देगा फिर हम। और आप दोगे? क्यों तीन फिर दूंगा मैं तो, पहले दिया था किन्ने जी? हाँ और जानी है बम है हमारी मदद फोड़ दी फूल पे, फूल पे झूठ बस वीडियो कसम। वीडियो? हाँ जी। वीडियो कौन है? मैं भी हूँ जी वीडियो। अच्छा बीड़ी कसम जी, जी। अब कसम भी बीड़ी की? हाँ जी ये छूट जा मेरे पे अच्छी बात जी। अच्छा जी जी जी। तो इस बार भी योगी को वोट दोगे? हाँ ले उसे तो पहले करवाऊंगा मैं। लोग तो कह रहे भाई इन्होंने तो बांट दिए हिंदू मुसलमान करते हैं। योगी जो है ना उसने सब भाइयों को अपने गले लगा रखे है, बाहर नहीं भाग सकता वो कहीं भी, उसने सबको शिकंजे में कर लिए।
अब भागो कहाँ तक भागोगे? अच्छा ठीक है जी, नहीं तो इसलिए वो हुआ पड़ा हो तो बचाने वाला टाइम बताओगा, क्या बताएगा? जो मौके पर होगा, जो मौके पर तो सारे ही हैं, अभी है मौके पर तो सारे, जो एक रात रात में आदमी घूम जाता है तो वो तो उस टाइम वो टाइम बताओगा क्या होना क्या नहीं, आने वाले टाइम को तो कोई बता नहीं सकता। प्रधानमंत्री जो मोदी जो है हमारा, इस टाइम वही लहर छा रही है। मतलब आपको लग रहा है कि 22 में फिर योगी आ जाएंगे यूपी में? अखिलेश का कुछ नहीं है क्या? अखिलेश कहाँ रखी है? जहाँ पर कौन पूछ रहा हो ना अखिलेश पखिलेश सर को लड़ा दिया, मैं तो झुंड में गए। अखिलेश को कोई पूछ ही नहीं रहा, पहले तो मुसलमानों के नेता अखिलेश ही थे। अजी वो थे तो, पर जी कोई बात बढ़िया हो गया, हमने सिकंजे में सबको ले लिए, सब उसकी मुट्ठी में है। तो नहीं मुट्ठी में तो वोट जनता की है ना, जनता भी उसी घूम जाएगी फिर, वह जनता भी उसी घूम जाएगी घूमेगी जी। हाँ ये कोई पता नहीं, मैंने आपको ये बात बताई, आने वाले टाइम का जो है तो वो तो पहले को पता है। हाँ। क्योंकि रात में तुम्हें कह रहा तुम्हें दूंगा वोट, रात रात में कहाँ बदल जाए, लेकिन जो ध्यान डाल लगा ऊपर वाला। योगी ने काम कैसा किया दिल पे हाथ रख के बताओ? योगी ने ठीक काम किया, कोई दिक्कत नहीं। सब बढ़िया लगा आपको? ये सड़कों का काम जो भी हुआ है यो तो काम ठीक करा उन्होंने। सड़कें बने जी आपके यहाँ? हाँ जी पढ़ी शीशिया क्या जी ये हमें पता नहीं, योगी ने गिरी, प्रधान ने गिरी, अखिलेश ने गिरी या प्रधानमंत्री ने गिरी मारे, हमें यो नहीं पता। लेकिन बनती हुई दिख रही, बनती हुई दिख रही जी। हाँ बनती हुई दिख रही जी, मारे कोटा केस का चल रहा ना जी, लेकिन पढ़े पे तो जान लगे, हम तो अनपढ़ आदमी, हम क्या जानते। तो भाई इनकी अपनी राय है, और भी लोग है उनसे बात करते हैं, आपकी क्या राय है जी? पता नहीं मैंने पता। अच्छा ओवैसी भी मैदान में आ गए अब तो? मेरा मैदान में होगा तो हम तो ओवैसी के साथ है जी, ओवैसी के साथ, कोई हारो जीत तो यूपी में ओवैसी के साथ जा रहा मुसलमान मन अगर यहाँ पे हमारे जी इसमें सीट पकड़ा होगा तो ओवैसी के साथ जाओगे सिद्ध? ओवैसी का जो भी कैंडिडेट हो आंख मीच के दे, कोई भी खड़ा हो जाओ आप, हो जाओगे आपको। अखिलेश तो मुसलमानों के नेता बन रहे थे तो नहीं है ना बाल? क्यों जी भी पहले तुम थे ओवैसी? अच्छा तो अब ओवैसी आए तो आप ओवैसी के साथ? मतलब हैदराबाद वाले ओवैसी यहाँ भी चलेंगे? चलेंगे जी, लेकिन वो लोग तो कह रहे हो तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी जिता देगी वो, उसका हमें पता हो किसे जिताएगी, लेकिन हम वोट उसे देंगे। और आप जी? मैं जनता अखिलेश के वो है जी समर्थक उसके। अच्छा, अखिलेश के? हाँ जी पक्के। ओवैसी ना जी? ना ओवैसी का कुछ नहीं आया, ये तो कह रहे हो वैसे, बस वो इनकी सोच इनके साथ है। हमें तो ये लग रहा आने वाले में जो है समाजवादी की सरकार बनने की, हमारे हिसाब से जो हमारी समझ में आ रही बात। अखिलेश जी हाँ, लेकिन इस बार तो मैदान में ओवैसी भी आ गए जी, हैदराबाद वाले ओवैसी आ गए जिन्होंने बिहार में 5 सीटें जीती हैं, वो बंगाल भी जाएंगे। यूपी का मुसलमान क्या सोच रहा है ओवैसी को लेकर, क्या वो उनकी साइड जाता दिख रहा है या वो अखिलेश जी की साइड या मायावती की साइड? हमारे हिसाब से तो अखिलेश का आ रहा मामला, देखो आ गए मालिक जाने क्या होता है क्या नहीं होता है वक्त के अनुसार। आप अखिलेश की साइड जा, ओवैसी की साइड क्यों नहीं? सो तो बड़े मन की बात है देखो। हाँ बाकी ओवैसी कैसे हैं, क्या मुसलमान उन्हें अपने नेता मानते हैं कि नहीं? हाँ नेता तो मानते हैं ना। अच्छा इस बार उनकी साइड कुछ लोग जाएंगे कि नहीं? वैसे इस बारे में नहीं कह सकते, देखो जिस चीज़ पर हमारा कोई जहन नहीं जा रहा उसे हम कैसे कह दें। अच्छा कैसे रही है 4 साल, योगी जी ने कैसा किया काम? सारे भाई 4 साल में तो रोजगार बंद है, सारे मदरसे बंद है, स्कूल बंद है, रोजी रोटी के लिए लाले पड़ रहे हैं, परेशानी, सारे लोग परेशान बैठे, बेरोजगारी है सारी। बाकी और सड़कों का विकास हो, बिजली का, पानी का, ये कैसा हुआ? सड़कों का विकास होया, जो छोटी जगह गांव देहात में जैसे हमारा मदरसा मस्जिद है, इसकी सड़क है, इसका कोई सुनाई नहीं हो रही, दोनों सड़क इसी तरह पड़ी हमारी आज तक। और कुछ नहीं है, रही बात यह ओवैसी की, ओवैसी हमारा नेता नहीं है, हम उस मतलब जो है ना धर्म के नाम पर वोट देने वाला यूपी का मुसलमान नहीं है, वो तो विकास के नाम पर वोट देगा। ओवैसी के जो आप कह रहे हैं ना ओवैसी आ गया बहुत अच्छी बात है, मतलब सारी पार्टियाँ आ रही, और भी पार्टियाँ आ रही, मान लिया जैसे चंद्रशेखर भी आ रहे हैं अब तो, केजरीवाल भी आ रहा, बाकी जो है ना वोट समाजवादी को ही जाएगा। अच्छा हाँ अगर मतलब मोमडन का तो वोट समाजवादी पे ही जाएगा, और कुछ लोग बीजेपी पे भी दे रहे वो भी ठीक है। मतलब बीजेपी पे भी मुसलमान जा रहा है? बिल्कुल जा रहा अभी, मतलब पहले चुनाव में भी जो देखने में मिला गया बीजेपी ने, मतलब अरे तो बेहतर काम करा बीजेपी ने आने वाले मतलब जो है ना इन 4 सालों में ठीक काम करा, बिना भेदभाव के सरकार चल रही।
लेकिन आप तो कह रहे कि समाजवादी को जाएंगे आप? नहीं, मैं ये कह रहा कि मतलब आप कह रहे कि ओवैसी पे नहीं जाएंगे, मतलब यार समाजवादी पे जाएंगे, ओवैसी पे नहीं जानेंगे। लेकिन बिहार में भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन भारी संख्या में ओवीसी के साथ लोग गए। हमने देखा 5 सीटें वहां निकाल ली जहां बहुत बड़ी मुश्किल थी, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे और जीत रहे हैं। तो आपको लग नहीं रहा है कि यूपी में भारी मुसलमान ओवीसी के साथ जा? नहीं नहीं, मुसलमान ओवीसी के साथ नहीं जाने का। यूपी का मुसलमान जो है ना शिक्षित मुसलमान है, यहाँ मतलब जो है ना अच्छी सरकार चल रही है, सबकी बराबर मतलब जो कुछ हो रहा, अगर जो नफा नुकसान हो रहा तो हिंदू भाइयों को भी हो रहा, मोमडन को भी हो रहा, इसमें भेदभाव तो नहीं हो रहा है यहाँ। नेता कैसे लगते हैं? अच्छे सर, आप उनको टीवी पे देखते होंगे, सुनते होंगे, बिहार में उनकी जीत भी आपने देखी होगी और अब तो बंगाल भी वो चले गए, आपको नेता कैसे लगते हैं? वो मुसलमान उनको किस नज़र से देखता है? हकीन साहब की बात करते हैं वैसे तो, बाकी अब अपनी राजनीति है सब लोगों की, लेकिन वो हक की आवाज़ उठाते हैं, हक की बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, और आपको अखिलेश और ओवैसी में से एक चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? नहीं, अभी तो अखिलेश के साथ में जुड़े हुए हैं, अखिलेश का विकास करा, उन्हीं से लोग ज़्यादातर मोमडन जुड़े हुए हैं ज़्यादातर लोग जो हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये ओवैसी जो है ये बीजेपी की बी टीम है, यानी ये तो और पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी को फायदा कर देगा, आपको क्या लगता है? कहीं कहीं देखने को ऐसा मिला ना, ऐसा मिला है, मतलब जो है ना, मतलब आप बिहार के चुनाव की बात ले लो, सिर्फ जो है ना ओवैसी की वजह से नुकसान होगा, मतलब उसे जनता दल को ऐसा तो नहीं है, यहाँ अखिलेश को या और दूसरी पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक पे नजर रख रही है ओवैसी उसको नुकसान पहुंचा देंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब जो है ना पहुंचाने का मतलब कोशिश तो होगी, बाकी मुश्किल पहुंचेगा, लोग जो है ना जहाँ है वहीं रहेंगे, बदलेंगे नहीं? नहीं बदलेंगे, बहुत तगड़े भाषण करते हैं ओवैसी। हाँ बिल्कुल अजी, मैंने सुने हैं, ऐसी बात नहीं, और क्यों नहीं करते। रही बात यह लोग वास्तव में यह भी बात है कि बहुत मतलब ये भी सोचते हैं कि अब बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, पर इसमें सच्चाई है कि नहीं? नहीं, इसमें कुछ हद तक देखो जी, उनका तो मुझे पता नहीं है, बाकी मेरा मानना है ऐसा। अच्छा, बी टीम है। हाँ, फिर तो बीजेपी को ही ना वोट दे देंगे अगर उसे दें। अच्छा, 2-4 सीटा मतलब कहीं करी 100 सीटा बरान करके 2-4 सीटा लिख दें। मान लिया अखिलेश यादव ने विकास करा तो योगी जी भी विकास कर रहे, तो वोट इन पे ही जाना, और दूसरे पे जा क्यों? अखिलेश जी कह रहे हैं कि अपनी वैक्सीन लेके आएंगे हम, और बीजेपी वाली वैक्सीन है इसे हम नहीं लगवाएंगे। मुसलमान क्या सोच? नहीं नहीं नहीं, वैक्सीन जो देश की वैक्सीन है, देश की वैक्सीन है, लगनी चाहिए, लगवानी चाहिए, अब हमारे लिए है, हमारे मतलब फायदे के लिए है वो, तो और राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजों में। सर, पहले पोलियो की दवाई आई थी तब भी यही भ्रम फैला दिया था कि ये तो पता नहीं क्या कर देगी। फैसला तो यह है कि जनता का वोट तो वोट का है, जनता को जहाँ से फायदा होगा, वो चाहे योगी जी हों, चाहे अमित शाह हो, चाहे मुलायम हो, चाहे मायावती हो, जिसे जहाँ से फायदा होगा वो उसे वोट देगा, वो वोट की राजनीति करेगा, बस बस वो उसकी, जिसे जहाँ से फायदा होगा, जिसका विकास होगा। बीजेपी को वोट देने से अगर हमारा विकास मतलब अल्पसंख्यक का विकास करे, हमें क्या दिक्कत है? मतलब क्यों ना योगी को वोट दें, क्यों ना मोदी जी को वोट दें? हमारा अगर विकास हो रहा है मतलब विकास चाहिए, मतलब विकास हो रहा। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि विकास हो रहा है? नहीं, विकास है, लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो ऐसी बात सामने आती है कि मुसलमान को साइड होना पड़ता है। साइड होना है उसका कारण, मेन कारण ये है कि जो छुटवैये नेता ना, ये तंग करे ना यहाँ, ये तंग मतलब ये तंग करे, फिर यहाँ वन्नी मोदी योगी जी तो कुछ कहना ही नहीं रहे, ये फिर अपनी थानों में चमचागिरी करके जो है ना ये नुकसान पहुँचा रहे पार्टी को, तो गुंडागर्दी करें, एक मतलब एक परिवार कहीं मोमडन का रह रहा उसे तंग करेंगे, मतलब 10 परिवार के रह रहे 100 में उसे तंग करेंगे, तो भाई यहाँ तो नुकसान हो रहा पार्टी को, तो अन्य पार्टी को क्यों ना वोट दें? क्या कर दिया हमारे लिए पार्टी ने? ठीक नहीं कराएगा सारे का सारा, बाकी ये करें तंग तो जो ये मतलब ये गुंडे में जो मतलब नेता बनते हैं वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, मुसलमान ऐसे नुकसान। मैं छोड़, जिन्हें जो अपने आप को मतलब नेता कुआ में, कार्यकर्ता कुआ में, होर्डिंग लगवा में कर रहे नुकसान पार्टी को, उनकी वजह तो ये रहा, पार्टी की ऐसी सोच नहीं है अलबत्ता। लेकिन इस बार आप जब चुनाव में वोट देने जाएंगे तो एक CA कानून भी आपके आंखों में होगा, नजरों में होगा कि नहीं कि भाई ये CA लाए, ये गलत था कि सही था? अजी जो मतलब सरकार कर रही है ठीक ही कर रही, रही बात यह उसमें जो है ना थोड़ा सा वही हुआ कि भाई कुछ आदमियों को गलत तरीके से उसमें लागू कर दिया गया, वो गलत हुआ, यानी कानून गलत नहीं है। जैसा मान लिया जो है ना कुछ लोग मतलब वर्कर भी हैं, वो नौकरी भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सर्विस पर, और उन्हें भी मतलब उसमें बाहर कर दिया गया, वो गलत हुआ, यानी मतलब कानून कौन सा गलत हुआ? आप
आपको लग रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और यहाँ यूपी में योगी कर रहे हैं वो सही है? ठीक हो रहा जी, हाँ ठीक हो रहा। तो देखा आपने, पता चल गया कि आखिरकार मुस्लिमों की दिलचस्पी है कहाँ, यानी 2022 में अखिलेश को नुकसान होगा, मुस्लिम ओवैसी की साइड जाते दिख रहे हैं। और जिस तरह से हमने पूछा क्या वाकई ओवैसी बी टीम है क्या बीजेपी की, जनता ने भी अपनी राय दी, मुस्लिमों ने अपनी राय दी, आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार असली मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, क्योंकि लगातार बेबाकी से बात करते रहेंगे। नमस्कार।